हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक साहब में। आज हम यहां अनबॉक्सिंग करने वाले हैं स्मिच की तरफ से आने वाले एक आरजीबी बल्ब की। ये जल्दी से इस बॉक्स के ऊपर से देख लेते हैं। ये है बॉक्स का फ्रंट साइड में, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन दी गए कंट्रोल के बारे में। आप इसको एक ऐप की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 16 मिलियन कलर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ये आपकी म्यूजिक के साथ भी सिंक किया जा सकता है और कुछ भी खास डिटेलिंग नहीं है। तो आइए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट इसी तरह के कंटेंट्स में है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा दें। आइए जल्दी से इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। ये कुछ मैनुअल्स हैं। और ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। ये आपके घर के जो सिंपल होल्डर्स हैं, जिसे B22 भी कहते हैं, उसमें ये आराम से लग जाएगा। इसके लिए कोई भी आपको स्पेशल होल्डर लगाने की आवश्यकता नहीं। तो आइए अब इसे मैं आपको अपने होल्डर में इंस्टॉल करके आगे की प्रोसेस को मैं दिखाता हूं। इस आरजीबी बल्ब को कंट्रोल करने के लिए आपको एक ऐप की आवश्यकता होगी, जिसका नाम है माई स्मिच, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले हम इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, ये ऐप मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको सिंपल अपना ईमेल आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि इस ऐप के लिए रहेगा। मैं जल्दी से आपको इसमें लॉगिन करके आगे की प्रोसेस को बताता हूँ। एप्लीकेशन को ओपन करते ही ये आपसे कुछ परमिशंस लेगा, आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद ये नेक्स्ट करना है। उसके बाद इस बल्ब को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको बल्ब को होल्डर में लगा देना है और कनेक्ट डायरेक्टली टू मोबाइल करना है। ये कॉन्फिगर होना शुरू हो जाएगा और वाईफाई को आपको ऑन करने के लिए इसे अलाउ कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब ये स्मिच आरजीबी बल्ब, जो कि मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है, ये इसका सिंपल इंटरफेस है। यहाँ से बल्ब को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसे ऑफ़ किया, आप देख सकते हैं कि बल्ब ऑफ हो चुका है। इसे ऑन करते ही ये ऑन हो जाएगा। अब इसके ब्राइटनेस लेवल को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग बार से हम इसके ब्राइटनेस के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और ये कलर व्हील से हम इसके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे ग्रीन किया तो ये बल्ब ग्रीन हो चुका है। अब मैं इसे ब्लू करूंगा तो ये ब्लू हो सकता है। देख सकते हैं दोस्तों कैसे ये अपने कलर को चेंज कर रहा है। ये मैं पिंक करता हूँ तो ये बल्ब पिंक हो चुका है। ये रेड मैं करता हूँ तो ये रेड हो चुका है। ये येलो करता हूँ तो ये येलो हो चुका है। और इसको अगर मैं सेंटर में लेकर आता हूँ तो यह बिल्कुल वाइट हो जाएगा। इस टैब में आने से ये कलर के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। जैसे ये अभी पूरी तरह से ब्राइट जल रहा है, अगर मैं इसे थोड़ा सा टेम्परेचर इसका हाई करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये बल्ब येलोइश हो गया है। और इसे और मैं करने से ये और येलोइश हो जाएगा। ये तीसरे ऑप्शन में कुछ रैंडमनाइज आप कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इसे प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सारे कलर्स में ये बल्ब जलना शुरू कर देगा। स्टॉप करने से ये इस तरह से फ्लिकरिंग होना शुरू हो जाएगा। और ये कैंडल वाला ऑप्शन मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप इसे इस तरह से कर देंगे तो जिस तरह से कैंडल जलती है, ये वैसा ही इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। और अगर दोस्तों आप इसको अपनी म्यूज़िक के साथ सिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ये बल्ब और आपका मोबाइल घर के एक ही राउटर के साथ कनेक्ट हो। अगर ये घर के एक ही राउटर के साथ कनेक्ट होगा तो ही आप अपनी म्यूज़िक के साथ इसे सिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा रिव्यू स्मिच की तरफ से आने वाले आरजीबी बल्ब का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई भी वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।